अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातु। आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं अपने सऊदी अरब के उमरा सीरीज में से, जिसमें आपको बताएंगे कि आपको उमरा के लिए जो एक परमिट की रिक्वायरमेंट है वो कैसे बनाते हैं, आपके वीडियो से किस ऐप को डाउनलोड कर बनाया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको पहले बता दूं कि जब भी आपको उमरा को जाना होता है तो उमरा जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आप किसी एजेंट के थ्रू जाइए, कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों के थ्रू, या तो कोई आप किसी का कोई रिश्तेदार हो या कोई आपका पहचान वाला हो तो उसके थ्रू जाए। अगर आप खुद अपने से उमरा पे जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो का पूरा एक सीरीज बनाई है, जिसका नाम है सऊदी अरब उमरा के नाम से, जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसमें आपको क्या करना है मैं आपको डिटेल में स्टार्ट से बताता हूँ। पहला वीडियो मैंने बनाया, जैसे कि आप अगर कहीं और जा रहे हैं वहां सिर्फ 4 दिन के लिए आप स्टॉप ओवर वीजा के लिए सऊदी अरब जाते हो, कैसे आप 4 दिन में वीजा उमरा कर सकते हो, वो डिटेल में मैंने पूरा वीडियो बताया, जिसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। उसके बाद आप वहां पर कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब सऊदी अरब में आपको जब ट्रेवल करना हो तो आपको कौन सा ऐप यूज करना है, कैसे टिकट बुक करनी है बुलेट ट्रेन की, उसका एक वीडियो मैंने बनाया जो आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तीसरा वीडियो मैंने बनाया कि आप किस तरह मतलब मक्का से मदीना, मदीना से जद्दा, जद्दा से मक्का कैसे आप ट्रेवल करेंगे बुलेट ट्रेन में, पूरा आपको मैंने बुलेट ट्रेन की सिस्टम सब चीज दिखा कर बताई है, वो हमारा वीडियो, उसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। चौथा पूरा डिटेल उमरा का मैंने आपको मदीना से निकल के उमरा कंप्लीट होने तक पूरा डिटेल वीडियो बनाया रिसेंटली, जिसका भी डिटेल मैं आपको लिंक इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप ये चारों वीडियो देख सकते हैं। और अब उमरा करने में जो एक मेन जरूरत चीज है वो है आजकल जो नई लगती है वो उमरा की परमिट। अभी देखिए क्या हो गया, पहले क्या होता था, लोग उमरा को जाते थे और सीधा उमरा करते थे चले, आप दिन में 10 बार जाओ 15 बार जाओ कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने रश के मद्देनजर में एक सिस्टम बना दिया है कि जो पहली बार उमरा के लिए आ रहे हैं, जो उमरा के लिए आ रहे हैं अहराम पहन के, सिर्फ उन्हीं को परमिट करने देती है। तो 100 में से 95% लोगों को परमिट चेक करके जाने देते, 5% लोग चले जाते होंगे बिना परमिट के तो अलग बात है, या आपका कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स है या कोई एजेंट है उसने आपके लिए परमिट निकाला हुआ है तो अलग बात है, नहीं तो अगर आपका परमिट नहीं निकला हुआ है तो आपको अपना परमिट खुद निकालना पड़ेगा। बहुत आसान है कैसे आप परमिट निकालते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हम बिना परमिट के उमरा कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ 100 में से 10 लोग उमरा बिना परमिट के कर पाते हैं। तो अगर आपको पकड़ लिया या आपको रोक दिया तो आप वो टाइम पर परमिट के लिए करोगे, आपको पता नहीं स्लॉट मिले ना मिले। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको डिटेल में बताएंगे किस तरह आप उमरा का परमिट अपने मोबाइल से वहीं पे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ले सकते हैं। तो इस तरह मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब आपके पास, मैं आपको वीडियो मोबाइल चालू करके बताता हूं। देखिए पहले आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल स्टार्ट कर लेना है, मोबाइल पे जाना है और आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो आपको इसमें सर्च करना है नुसुक ऐप, नुसुक की स्पेलिंग है NUSUK। देखिए हमारा आ गया ये, अब इसको आपको क्लिक करना है इंस्टॉल, जैसे इंस्टॉल हो गया इसको ओपन करोगे। अब देखिए आपका जैसे नुसुक ऐप ओपन होगा तो आपको नीचे क्रिएट अकाउंट पे जाना है, फर्स्ट टाइम है आप यहाँ पर, देखिए इंटरनेशनल विजिटर पे जाना है और उसके बाद जैसे इंडियन क्लिक करिएगा आपको सिलेक्ट नेशनलिटी बोलेगा, आपको इंडिया सिलेक्ट करना है और इंडिया को उस पर डाल देना है। देखिए इंडिया पे आ गया, अब क्या पासपोर्ट नंबर डालना है, फिर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद फिर से आपको नुसुक ऐप ओपन करना है, अब आपको लॉग इन पे जाना है, लॉग इन में फिर इंटरनेशनल विजिटर पे जाओगे आप, फिर सिलेक्ट नेशनलिटी करोगे इंडिया, देखिए आपने इंडिया डाला। अब इंडिया के बाद आप क्या करोगे, पासपोर्ट नंबर डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे, रिमेंबर मी करके लॉग इन कर दोगे और जैसे ही आपको एक आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल के आपका लॉग इन हो जाएगा। अब जैसे ये पेज लॉग इन हो जाता है, देखिए लॉग इन हो गया, अब आपको क्या करना, उमरा पे जाना है, बुक उमरा परमिट लिखा होगा, देखिए हाँ ये लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करूंगा मैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरा नाम जो है जिससे एक अकाउंट बन चुका है वो यहां पर आ गया, मुझे क्या करना है उसको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। अब मुझे डेट बता रहा है तो मैंने 31 मार्च की डेट को सिलेक्ट किया, 31 मार्च को सिलेक्ट किया। अब मेरे पास टाइम पूछ रहा है मॉर्निंग इवनिंग, मैंने इवनिंग किया और उसके बाद 8 बजे से 10 बजे वाला मैंने टाइम सिलेक्ट कर लिया, कन्फर्म करूंगा यहाँ पर लिख के आएगा क्या आप ले रहे हो, देखिए समरी आ रही है, फिर मैं आगे सबमिट करूंगा तो मेरा जो उमरा का परमिट है वो क्रिएट हो गया है और वो अब इश्यू हो गया है। आपको इसको कैलेंडर में डालना है, अलाउ या डोंट अलाउ आपकी मर्जी, आप करिएगा नहीं करिएगा। रिजर्व एंड इलेक्ट्रिक कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है, इस ऐप से आप इलेक्ट्रिक कार्ड भी बुक कर सकते हो, वो कैसे करेंगे बताऊंगा मैं आपको। यहाँ आपका परमिट शुरू हो गया,
देखिए यहाँ पर आपका परमिट, इसको क्लिक करिएगा जैसे आप परमिट को, तो ये आपका परमिट ओपन होगा। इस पर QR कोड आता है जो आपको लगभग 2 घंटे पहले, हाँ 2 घंटे पहले परमिट से आ जाएगा, और नीचे आपका क्या परमिट की डिटेल है वो इसमें आ रही है, नाम टाइम डेट सब आ रहा है। यही परमिट आपको गेट पे दिखाना है, एंट्री करना है। ये ऐप जो आपको बहुत ही फायदेमंद है, इसमें इमाम और तरावी का टाइम सब कुछ दिया रहता है, प्लस आपको अगर कार्ड बुक करनी है कैसे यूज होती है कार्ड, मैं इसके बारे में पूरा वीडियो जो मेरा फुल डिटेल वीडियो है उसमें मैंने आपको डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देख सकते हैं कैसे आप ई मतलब कार्ड को बुक करते हैं इलेक्ट्रिक कार्ड को तवाफ और सही के लिए, वो ऑप्शन है वो देख लेंगे। अब जो आपका परमिट इश्यू हो गया है, ये परमिट लेके आपको मताफ की तरफ जब बोलोगे तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आपको पूछेगा परमिट, आपको परमिट का QR कोड दिखाना है, उसको स्कैन करेगा और आप अंदर जा सकते हैं। अब आपने जो उमरा कर लिया परमिट के थ्रू, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो जाएगा, वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि जब वापसी आने लगेंगे, क्योंकि आपको कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले नहीं है, कोई एजेंट के थ्रू नहीं आ रहे, आप पर्सनल अपने कैपेसिटी में गए थे, तो वापसी आने के बाद आपको जमजम का पानी भी चाहिए, तो जमजम का पानी आपको जद्दा या मदीना के एयरपोर्ट से मिलेगा। तो वहां एयरपोर्ट में सिस्टम क्या होता है कि आपको जाना पड़ता है, आपको 9-11 रियाल के करीब आपको देना पड़ेगा, और आपको एक पैक्ड वाला बॉटल देगा जो आपके लगेज के साथ फ्री ऑफ चार्ज, मतलब लगेज में जो आप कैपेसिटी वो कैपेसिटी आप लेके जाओगे, ये एक्स्ट्रा आपका जो पानी है वो चला जाएगा। लेकिन ये जब जाएगा जब आप उमरा करके जा रहे हो, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका या तो उमरा का परमिट को शो करना पड़ेगा बैगेज काउंटर पे, या आपको आपका जो सर्टिफिकेट होगा परमिट का, उमरा का जो इश्यू हो गया जो आपने कर लिया वो आपको दिखाना पड़ेगा, फिर आपको उस पर एक टैग लगाएंगे, आपको वाटर का जो डिपार्टमेंट होगा वहां पर सबमिट करना पड़ेगा, और आपका जो जमजम का पानी है वो इंडिया में आपके लगेज के साथ यहाँ पर आ जाएगा फ्री ऑफ चार्ज। तो इसलिए आपको परमिट लेना भी बहुत जरूरी है, और परमिट का जो सर्टिफिकेट है उसका जरूरत, सर्टिफिकेट कैसा होता है मैं आपको दिखा दूंगा, देखिए ये सर्टिफिकेट होता है, इस तरह का सर्टिफिकेट आएगा, आपको ये डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लेना है आपके उमरा खत्म होने के बाद। तो इस तरह आपको पूरा, आप अगर अकेले भी जाते हो बिना किसी के स्टॉप और वीजा के थ्रू, वहां पर अपने ट्रैवल करके खुद अपने से बुकिंग करके, तो इजीली कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैंने पूरी सीरीज बनाई है जिसका लिंक मैं आपको, देखिए यहाँ पर ये जो तीनों चारों वीडियो है, ये चारों वीडियो के लिए वीडियो, ये सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ये सब आप देखिए और वहां से आप इजीली उमरा करिए। अगर आपको हमारे पूरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ जो उमरा पे जाने वाले हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं खानदान वाले, सबके साथ शेयर करें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।